ठीक है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 5:30 समथिंग कुछ हो रहा है, 5:15 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 5:30 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो मक्खन है वो निकाल लिया है, कुछ नहीं किया था आप लोगों के सामने। परसों रात में जब आया, कल मैंने परसों रात को ही ठंडा हो गया था हल्का सा, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। कल दिन भर उसमें फ्रिज में रखा रहा, आज सुबह फ्रिज से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फ्रिज से बाहर निकालने के बाद मैंने इसको सुबह से ऐसे छोड़ दिया, अभी शाम में 5 बजे समथिंग मैंने इसको जो है निकाल लिया, मतलब चलाया, और हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे सिर्फ इसको बाहर आने में। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसमें हम निकाल लेते हैं, पहले इस लूनी वाले इसको निकालते हैं। सोचो गैस अभी बंद ही रखूँ, नहीं थोड़ा थोड़ा गिरा तो हो जाएगा। घर में हमारे में छोटे बच्चे हो ना, तो अपन को ना बस ये लगता है कि फटाफट कैसे ना काम होता चला जाए। तो हनी सो रहा है तो मैं फटाफट कर ले रही हूँ सारा काम, वरना फिर क्या होता है ना, वो जग जाता है, और वो एक बार जग गया ना बस, फिर तो उसका ऐसा रेल, रोने का रेल तो उसका ऐसा चलता है ना कि रुक के नहीं देता है, फिर उसका रेल ऐसा जोर से रोता है ना, वो बहुत भयंकर। और घर में छोटे बच्चे हो ना, या छोटे बड़े जैसे भी हो, टाइम मिल जाए ना तो फटाफट काम निपटाने देना चाहिए बजाय बैठने के। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, टाइम है, हो जाएगा, इतना टाइम पड़ा है, बैठे रहो। मेरे से ना बैठा नहीं जाता, मेरा क्या है ना कि बस का टाइम है, फटाफट बात कर लेते हैं। तो जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया है, जहाँ पे आपको सिर्फ रील एंटरटेनमेंट रह गया है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे खुरपैची, मतलब कि कुछ ना कुछ उनको नया चाहिए होता है कि आज मुझे कुछ नया है, या हमारे मन में कई सारे सवाल भी होते हैं। तो जी हाँ, इसी टाइम पे मैं बैठे बैठे ना क्या करती रहती हूँ कि खोजती रहती हूँ कुछ नया मिले। तो मेरे को ना एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है पंखुरी ऐप, जहाँ पे इजीली मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, और रोज कुछ ना कुछ नया मेरे को सीखने को मिलता है। जी हाँ, और वहाँ पे मैं कई सारे फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जीत चुकी हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। रूबीज कमाओ और गिफ्ट जीतो। जी हाँ, रूबी कमाना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग डायरेक्ट जाके आप लोग खुद ही है ना इंस्टॉल कर लीजिए ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आइकन पे भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पंखुरी ऐप का लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, थैंक यू आप बाद में मेरे को बोल देना इस चीज़ के लिए कि मैंने आपको पंखुरी ऐप के बारे में बताया। यहाँ पे मैंने कई सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं जिनके साथ मैं गेम खेलती हूँ और बहुत सारी बातें भी करती हूँ, और जहाँ से मैं रूबी भी जीत लेती हूँ, रूबी कमा लेती हूँ, रूबी कमाने के बाद मैं वहाँ पर ईजिली मैं गिफ्ट भी जीत लेती हूँ। सो गाइज, इस ऐप से आपको कोर्स करने के बाद में ना सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, एंड आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलती हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एंड मेरे से भी काफ़ी सारे लोगों को मैंने शेयर भी किया था, तो उन लोगों ने इंस्टॉल किया इसको, और इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी कुछ उन लोगों को डेली है ना कुछ पार्ट लेके उन लोगों ने गिफ्ट भी जीते हैं। गाइज, मैं इसका बेस्ट पार्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि ये फीमेल्स यानी कि हम लोगों के लिए है सिर्फ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोर्सेज में बहुत सारे आप मन चाही चीज़ जो आपको पसंद हो वो सीख सकते हैं, लाइक आप मेहंदी, नेल आर्ट, सोप बनाना, बेकिंग, कुकिंग और मेकअप, कुछ भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। सारे कोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाके कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो मेरे व्यूअर्स मेरे को देख के इंस्टॉल कर रहे हैं इस बात को सुन के, उनके लिए मैंने कूपन कोड भी मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कूपन कोड ओनली 5 डेज तक वैलिड है, तो जल्दी कीजिए, ज़्यादा देर नहीं करना है आप लोग। और एक चीज़ और बता दूँ कूपन कोड के बारे में कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो जो आपकी पहली क्लासेस होंगी वो एब्सोल्युटली फ्री होंगी, आप लोगों को मिलेंगी। ये 5 डेज तक ओनली वैलिड है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, और लिंक मैंने जैसे दे दिया है। और तो जल्दी जाइए, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए पंखुरी ऐप को, और जीतिए ढेरों सारे गिफ्ट। लिटरली यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मैं अब जला देती हूँ, रई का मैंने पूरा जो है ना वो कर दिया। अब ये घी भी हो जाएगा। एक्चुअली कल है 14 अप्रैल, और कल है हमारी महावीर जयंती, आज है 13 अप्रैल। दिन आज का भी खास था, कुछ टाइम पहले मेरी जो दादी और दादा हैं, दादू थे, उनका आज का एनिवर्सरी था, और
बहुत अच्छा लगता था। जब हम पता है जब छोटे छोटे थे ना तो दादी के घर जाते थे और एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन हम सारे लोग मतलब जो ताऊ वगैरह हैं सारे बच्चे एक साथ चचा ताऊ के सारे मतलब इकट्ठे होते थे। हम लोग हम दो ही भाई हैं मेरे पापा ताऊ और मतलब ताऊ और मेरे पापा ऐसे करके, तो हम लोग इकट्ठे होते थे सारे लोग। बहुत मज़ा आता था, खाना दादी के घर पर ही बनता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा। और सारे हम लोग बच्चे बच्चे मिलके पता है क्या करते थे, जो मेरे दादू हैं उनका हम कॉपी करते थे, तो इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार ही ना हम लोगों ने मिलके ना पता है नाटक किया था कि दादी और दादा में दादू में लड़ाई होती थी, तो हम लोग उनका एक्टिंग कर रहे थे कि कैसे होती है लड़ाई इन लोगों की। तो बस वही सारी चीज़ें हैं 13 अप्रैल की। आज मैं करूँगी दादी को फ़ोन, अभी मैं कर नहीं पाई हूँ, करूँगी। और दादू को गए हुए तो टाइम हो गया, समथिंग 6 साल हो गए शायद, नहीं 6 साल नहीं, 6 साल हो जाएंगे, हुए नहीं है शायद अभी, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही गए थे, तो मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं जनवरी में, और उनकी को शायद जुलाई में हो जाएंगे शायद। क्या कर रही हो? तो कल महावीर जयंती है, कल महावीर भगवान का बर्थडे है हमारे, और कल उनका बर्थडे हो जाएगा, और कल बहुत अच्छा होता है, कल मंदिर वंदिर जाना है मेरे को, तो शायद इसी ब्लॉग में आपको कंटिन्यू मिले या आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिल सकता है, जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा जब मैं ये मक्खन निकालती हूँ तो हाँ, ये मक्खन जब निकालती हूँ ना तो कुछ लोगों को घिन आती है, छी तुम कैसे हाथ से निकालती हो, तो भाई मक्खन तो हाथ से ही निकाले जाते हैं मुझे तो जहाँ तक पता है, और मैंने ऐसे ही निकालते हुए जो है अपने घर में सबको देखा है, मेरी खुद की मम्मी को और मेरी सास हैं उनको सब ऐसे ही निकालते हैं, जहाँ तक मक्खन मुझे पता है तो मक्खन हाथ से ही निकलता है और तभी घी बन पाता है, वरना और किसी चीज़ से तो आप मक्खन चम्मच वम्मच से निकालोगे तो सारा ना जो दही ये मट्ठा है ना उसी में रह जाता है। अब जैसे ये मट्ठा है तो इससे ना बेसन भी बना सकती हूँ मैं, और इससे ही मैं अप्पे में डाल के, उत्पम में डाल के, किसी में भी डाल के बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये हो गया, मैं इसको धीमे आंच पे रख दूँगी और ये होता रहेगा, घी निकल आएगा इसमें से अच्छे से बढ़िया से, देखते हैं कल बढ़िया से दीपक गुरु मंदिर का घी थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं था, तो पहले मैं इसमें से जैसे घी हो जाएगा उसके बाद मंदिर का घी निकाल दूँगी, पहले मैं मंदिर का घी निकल आएगा ना तो मेरे ना एक मंदिर में चलाने के लिए अच्छा रहेगा, बचा हुआ किचन में ले लूँगी, पहले मंदिर का करूँगी क्योंकि किचन में भी है पर मंदिर का नहीं है लग रहा है। बहुत टाइम बाद मैंने ये सब फिर से स्टार्ट किया, एक नई लाइफ फिर से स्टार्ट की है मैंने, ठीक है, बहुत मतलब वो होता है। बताएं आप लोगों को मैं सीरियल कौन सा देखती हूँ, आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही हो तो मैं देखती हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिपीट टेलीकास्ट जो आ रहा है वो देख रही हूँ, जो बहुत टाइम पहले सीरियल आता था मम्मी लोग देखती थी मैं भी पता नहीं कब से इंटरेस्ट लेने लगी इन सब चीज़ों में, तो मैं वही आराम से देखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। सो ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा आधा हो चुका है, अब ये धीरे धीरे होता रहेगा और ये सारा जो भी इसमें एक्स्ट्रा मट्ठा वगैरह जो भी होएगा वो निकल के चल जाएगा और घी घी ऊपर आ जाएगा, हमारे घी बन के तैयार हो जाएगा। घर के मट्ठे की ना बात ही अलग होती है, जो घर की छाछ होती है ना, घर के मट्ठे की ना बात एकदम अलग होती है, इतना टेस्टी लगता है, गाढ़ा गाढ़ा रहता है इतना मतलब, और इतना बीच बीच में ना मक्खन भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। क्या कर रही हो तुम, छोड़िए उसको आइए, अभी ये हो रहा है और चले मैं दिखाती हूँ हनी के अंदर है। अच्छा ये वाला पार्ट जो है इतना, ये वाला पार्ट सेम उस घर जैसा नहीं लगता, अगर आप ये देखोगे तो पुराने वाले फ्लैट जैसा सेम डिट्टो लगता है ऐसे, उसमें भी बालकनी का गेट था बट उसमें बाहर में था बस, है ना,
और सेम ऐसे मतलब एसी के नीचे कर्टन सेम वैसे ही वाला पार्ट लगता है ना, इसलिए मेरे को इसमें ना थोड़ा सा बहुत अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो देखिए ऑलमोस्ट घी हमारा हो चुका है, बस थोड़ा सा और ये हट जाए तो ऑलमोस्ट मतलब हो चुका है, बस ये वाइट वाइट और हट जाएगा, बस हो गया। और मैं चलाती नहीं हूँ क्योंकि नीचे ये जो होता है वो नीचे जल जाता है पूरा जो भी होता है, और घी ही ऊपर आके तैर जाता है। तो अभी ना मैं ये जो मेरे स्पैचुला थे जिनको मैंने कारीगरी करी थी इन पे, तो इनको क्लीन करके ना यहाँ पे लगाने वाली हूँ इस वाली वॉल पे, ताकि बहुत सुंदर सा दिखे। बहुत सुंदर सा तो नहीं मतलब इन, फिर भी यहाँ लगाएंगे ना तो ज़्यादा वो नहीं लगेगा लुक, तो यहाँ लगाने वाली हूँ मैं इनको, है ना, लगा के दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, मैं सोचूँ इनका कुछ और डिज़ाइन करूँगी जब भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं दूसरा कलर करूँगी, फिलहाल मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और यह घी भी हो चुका है, थोड़ा सा खैरा हो गया, मेरा दिमाग ध्यान नहीं गया, बट हो गया। ओके गाइस, एक वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो, मे बी आप लोगों को इसी ब्लॉग में देखने को मिल गई होगी। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ ये पूरी साड़ी पहन के, और ये साड़ी मैं आप लोगों को बताऊँ तो ब्लाउज जो है वो भी इंक्लूडेड है, ये मैंने दूसरा ब्लाउज पहना है, तो जो इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये दूसरा ब्लाउज मैंने पहना है, टैनी भी रेडी हो चुकी है यहाँ पे, हनी भी नहा के रेडी हो चुका है, 9 बज रहे हैं सुबह, 5 बजे से मैं उठ रही थी, सारा काम कर लिया, एक वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट कर लिया। अब मैं जा रही हूँ, हनी को उठा के जा रही हूँ, बस मैं रेडी हूँ, और एक बारी बहू रानी बन जाते हैं। अरे साड़ी खुल जाएगा, हटो बच्चे भी ना। तो ये लोग यह बन गए बहू रानी और चलते हैं। मैं हमेशा पिन को यहाँ टक करती हूँ, यहाँ कभी भी टक नहीं करती हूँ, जिससे ना मेरे को फायदा रहता है। बन गए भाई बहू रानी और चलते हैं, चलिए बाय बाय सब लोग, बाय बाय। सो मैंने लाइट लिपस्टिक लगाया है यहाँ पे, हल्का मेकअप कुछ नहीं किया, सिर्फ काजल बिंदी ये सिंदूर ये बस, और कुछ भी जला जला जला, चलो फोटो खींचो।
है, सो आ गए हैं हम लोग घर और हालत आप देख सकते हो, एक आंख काली एक आंख सफेद हो रखी है हमारी और हनी भी वह कर रहे हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा थक गए आज। सो अब मैं सोने जा रही हूँ, 9:45 हो रहे हैं और नींद बहुत तेज आ रही है आँखों में। एक आंख मैंने एक्चुअली ऐसे ऐसे कर ली ना, इसलिए मेरा काजल पूरा निकल गया और इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। और हनी बस मंगल गाए जा रहा है अपने और अब हम सोएंगे, नींद बहुत आ रही है। और आज गर्मी भयंकर गर्मी है, आज इतना भयंकर गर्मी था कि मैं क्या बोलूँ, हालत ख़राब हो गया सारा। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर। मे बी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर न्यू है तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो मेरे को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।